अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है मैं वोकेशन की वजह से आउट ऑफ सिटी हूँ और कुछ मुजाफाती इलाकों में हूँ तो यहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस कम है जिस वजह से जो अदाकारा हैं और दो हज़ार अक्स में जो सारे लोग मुलविस हैं उनके ऊपर जो कीन नज़र रखी हुई थी एक एक कमेंट के ऊपर उनकी एक एक हरकत के ऊपर उनकी चेक शर्ट्स के ऊपर वो नहीं रख पा रहा लेकिन आज मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों ने क्लिप्स भेजी हैं और वो बड़े कंसर्न हैं और उन क्लिप्स के अंदर जो देखी हैं वो तो मैं आपको बताता हूँ लेकिन इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैदी अली काजमी और मेरी शायद हम दोनों की ख्वाहिश है कि हम जल्द अज जल्द, जल्द डॉक्टर को जेल की बनी हुई दाल खाते हुए देखें बल्कि कुछ लोगों का शिकवा था उसे डॉक्टर नहीं कहना चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसे रिफाइन कर देता हूं अंडर मैरिट डॉक्टर क्योंकि मैरिट होता है एटी और यह तो कोई तैंतीस वाला बंदा था तो यह अंडर मैरिट डॉक्टर है जिसे अदाकारा ने बना दिया है और यह कहता है अदाकारा को कहता है आप ही मुझे डॉक्टर कहें वो कहती है इसे डॉक्टर कहें और बस इस तरह से मामला चल रहे तो यह जो अंडर मैरिट डॉक्टर है इसको जेल की सलाखों के पीछे देखने का खाब शायद मदी अली काजमी और मेरा बहुत ज्यादा था और वहां पर हम इसे दाल खाते हुए देखे आ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस केस में मुलविस लोग हैं जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो थिंकर्स हैं जो सारा थिंक टैंक है वो हमसे भी पहले इसे देखना चाह रहा है एक फिलर मार्केट में छोड़ा गया है और वो कुछ अदाकारों से कुछ यूट्यूबर से छुड़वाया गया कुछ साफियों से कि और बात यह की जा रही है कि दुआ जारा शायद प्रेग्नेंट है तो उनका केस इतना ज्यादा मजबूत है कि अब किसी भी तरह से यह निकाह टूट नहीं सकता और अब मैदी काजमी को सुलह करनी पड़ेगी और इस इन मामला को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करना पड़ेगा उन सब के लिए चूंकि थोड़ी सी स्टडी नहीं करते थोड़ी सी स्टडी कमजोर है और डॉक्टर की अंग्रेजी तगड़ी है बड़ी तगड़ी एजुकेशन है लेकिन पढ़ता नहीं है अब ना पढ़ने का इलाज नहीं है ज़ाहिर है तो उन्होंने पढ़ा नहीं है

एज ऑफ 16 16 साल से नीचे इज ये जुर्म है उसके बाद लिखा, लिखा जा रहा है इसी इसी section में, चाइल्ड अंडर uh, 16 इज क्लासिफाइड एज अ सेक्शुअल ऑफेंस और किसी भी बच्ची के साथ 16 साल से नीचे अगर आप किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन कायम करते हैं तो ये एक सेक्शुअल ऑफेंस में आता है जिसकी बाकायदा एक सजा मौजूद है पाकिस्तान के कानून के अंदर और पाकिस्तान का जो पिनल कोड है उसका सेक्शन थर्टी सेवन वी इसको बाकायदा क्लासीफाइड कर रहा है इसकी इसकी जो इंडिपेंडेंस है उसके बारे में बयान कर रहा है उसके बारे में डिटेल में उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है और ये सारा पढ़ने के बाद ये सारा देखने के बाद भी अगर इस तरह का फिलर मार्केट में छोड़ा गया है तो शायद ये उन्होंने एक रस्सी फेंकी है ताकि रस्सी फेंक कर जो जो अंडर मैरिड डॉक्टर है उसे घसीट कर फौरी तौर पर अंदर किया जाए और ना सिर्फ अंदर किडनैपिंग के केस में किया जाए ना सिर्फ अंदर इधारों के साथ झूठ बोलने पर किया जाए इदारों को आ, आ, वो कहते हैं कि मिस गाइड करने पर किया जाए बल्कि इस पर भी किया जाए कि उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो कि सेक्शुअल ऑफेंस में आता है और इसकी बाकायदा सजा होनी चाहिए और अगर इस्लामी नुकता नजर से देखें तो, तो इसकी सजा संगसार है यानी कि इसे पत्थर मारना है आ, तो उस तरफ तो हम नहीं जाएंगे हम चाहेंगे कि रियासत ही अपना रास्ता निकाले और रियासत यही रास्ता निकालेगी कि फिर जो देर जेल के अंदर जो दाल बनती है ज़ायरा पतली दाल होती है और डॉक्टर साहब को उसी से गुजारा करना पड़ेगा तो जिन लोगों ने ये फिलर छोड़ा है वो ये सेक्शन थर्टी सेवन वी ऑफ़ द पाकिस्तान पिनल कोड ज़रूर पढ़ें और इसके बारे में बयान करें और जो मेडिकल बोर्ड है वो अंडर सिक्सटीन बच्ची को डिक्लेयर कर चुका है और उसके डिक्लेरेशन के बाद अगर वो फिर भी बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी शर्म करें थोड़ी सी स्टडी करें थोड़े सा चीज़ों को देखें और सिर्फ वो बात ना करें कि जो हवा में की जा सके कानून की नज़र से आए और अगर ये बात आपने करनी है तो साथ साथ जो अंडर मेरिट डॉक्टर है आ, उसे तसलियां भी देते रहें कि अगले पंद्रह साल उसके नसीब में दाल लिखी जा चुकी है ख्याल रखिएगा अपना अल्लाह हाफिज़